जनपद गाजियाबाद में आज अपर जिला अधिकारी भूमि अध्याप्ति पर सेक्टर 14 के पार्क में घूमते हुए जगवीर सिंह सन ऑफ बलवान सिंह जींद हरियाणा निवासी के द्वारा क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया गया, जिन्हें तत्काल यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां पर अपर जिला अधिकारी का इलाज कराया जा रहा है, जिसमें उनका सीटी स्कैन हो गया है। डॉक्टरों के द्वारा खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई गई है। संबंधित जगवीर सिंह को कबीर नगर थाने द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अपर जिला अधिकारी का इलाज कराया जा रहा है। देखिए, आज शाम को 7 बजे एडीएम एलए साहब सेक्टर 14 में पार्क में नियमित रूप से इवनिंग वॉक पर गए हुए थे और उस समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। एक जसवीर सिंह सना बलवान सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो क्रिकेट का बैट अपने हाथ में लिए हुए था, उसने अकारण उनके ऊपर हमला कर दिया और बैट से उनको हिट किया, जिसमें उनके सिर पर और चेहरे पर चोट आई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कभी नगर थाने में वो गिरफ्त में है। जो प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा है कि वो व्यक्ति 95 में सेना से बर्खास्त हुआ था और गौर माल में है, बाउंसर के रूप में काम कर रहा था, उसे भी वहाँ से आज बर्खास्त किया गया था। कुछ मानसिक असंतुलन का केस है और उसकी पूरी जाँच और विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। उनको यहाँ पर यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है इमरजेंसी में। उनकी जो प्रारंभिक जाँच पड़ताल हुई है और जो सीटी स्कैन उनका हुआ है, उसमें डॉक्टर्स ने बताया है कि वो खतरे से बाहर हैं। उनको ऑब्जर्वेशन में आज आईसीयू में रखा जाएगा। मतलब प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि उसने जो है अचानक कुछ या मानसिक रूप से असंतुलित है, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। बाकी एसएसपी साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन और पुलिस के मतलब इनपुट लिया है, एसएसपी साहब आपको बता रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं तत्काल, जिसमें जो घायल हैं एडीएम साहब, उनसे भी हमारी बात हुई। जैसा कि उन्होंने बताया कि अचानक से उसमें जो है उनका हमलावर हो गया एक, तो जिस कारण वो घायल हो गए यहाँ पर और अभी इलाजरत हैं। और इसका जो शख्स था, जो व्यक्ति था, हमलावर जो था, उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, वो थाने पर है। उससे तकलीफ पूछताछ वहाँ पर चल रही है, जो भी स्थिति हम लोगों ने वहाँ पर लगा रखी है, जो भी इसमें तथ्य निकल के आते हैं उसे आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। प्राइमा फेसी कोई भी वजह अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि हमलावर क्यों हुआ है। कोई ऐसा कोई अन्य बात जो भी निकल के नहीं आई है कि कोई झगड़ा हुआ हो या दूसरे किसी को जानते हैं। ये अचानक हुई घटना बताई गई है, जैसे कि जो घायल हुए मीडियम साहब, उन्होंने ही बताया है कि अचानक ये हो गया और इसके जो कारण थे, वो हमलावर ने क्यों किया है, ये उससे पूछताछ चल रही है। जो भी निकल के आता है आपको बताएंगे। आरोपी का प्रोफाइल और उसका बैकग्राउंड, उसको बताया जा रहा है कि वो पहले आर्मी में था, फिर जैसा कि थाने ने बताया, पूछताछ में निकल के आ रहा है कि इसको कोर्ट मार्शल किया गया है वहाँ पर। हालांकि ये तथ्य हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा उसने कुछ मॉल्स वगैरह में भी यहाँ पर काम किया, जहाँ से उसको निकाल दिया गया था। और हाल फिलहाल में भी वो जो अभी उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो अभी कहीं पर भी एम्प्लॉयड इस तरह से ऐसा कौन सा नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहा उसको निकाल दिया गया।